साथियों, जहां तुष्टिकरण होता है वहां अभाव होता है, भेदभाव होता है, आशा आकांक्षाओं का दमन होता है। दीदी की सरकार ने पश्चिम बंगाल के हर युवा बेटे बेटी की आकांक्षाओं का दमन किया है। दीदी ने भाइपों की आकांक्षाओं के लिए, भाइपों की कैरियर के लिए बंगाल के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। आज जब हम बड़े बड़े प्लॉट की बात सुनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात सुनते हैं, हर महीने करोड़ों रुपयों की काली कमाई की बात सुनते हैं, तो पता चलता है कि दीदी ने किस तरह अपना सारा ध्यान भाइपों के ही विकास पर लगाया। जिस नेतृत्व में इतना अधिक स्वार्थ हो, वो सामान्य प्रतिभाओं से न्याय कैसे कर सकता है? भाइयों और बहनों, जब इस दुर्नीति के विरुद्ध में मैं सवाल उठाता हूं, आपके लिए अगर मैं सवाल उठाता हूं, बंगाल के नौजवानों के लिए सवाल उठाता हूं, बंगाल की माताओं बहनों के लिए सवाल उठाता हूं, बंगाल में कानून व्यवस्था के लिए सवाल उठाता हूं, तो दीदी क्या करती है? जवाब नहीं देती है, मुझको गाली देती है। कहती है मोदी से कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाएगी। अरे दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आपने बंगाल की गरीब जनता को लूटने वाले तोलाबाजों के कान मरोड़े होते, अपने सबसे प्रिय भाइपों से उठक बैठक करवाई होती, तो आज ये दिन आपको देखने नहीं पड़ते। दीदी, ये आपका विदाई समारंभ है, देखो।